नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी छापेमारी के दौरान पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और सोना बरामद कर चुका है। अर्पिता के घर पर छापेमारी में बरामद कैश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में मिले कैश का होता क्या है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रकार की छापेमारी में बरामद पैसों के साथ एजेंसी क्या करती है। सबसे पहले जब्त कैश इत्यादि का पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामे में जब्त किए गए कैश को लेकर पूरी जानकारी होती है, जैसे कुल कितना कैश बरामद हुआ, उसमें 200, 500 और 2000 की कुल कितने नोट थे। अगर जब्त किए कैश में नोट पर किसी तरह के निशान पाए जाते हैं या फिर उन पर कुछ लिखा होता है तो जांच एजेंसी उन्हें अपने पास रख लेती है, जिसे बाद में एजेंसी कोर्ट में बतौर सबूत पेश करती है। एजेंसी बाकी कैश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है। कई मामलों में अगर एजेंसी को लगता है कि उसे कुछ पैसों को अपने पास रखने की जरूरत है तो जांच एजेंसी अधिकारियों की स्वीकृति लेने के बाद केस की सुनवाई पूरी होने तक उस कैश को अपने पास रख सकती है। बता दें कि जहां तक ईडी का सवाल है, उसके पास पीएमएलए के सेक्शन 5A के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। एजेंसी द्वारा अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित करने पर पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेती है। जब ईडी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि इस संपत्ति की खरीद बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि ईडी पीएमएलए के तहत अधिकतम 6 महीने यानी 180 दिन तक ही किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। इस दौरान ईडी को अदालत में अटैच प्रॉपर्टी को अवैध साबित करना होता है। अगर ईडी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाती है। वहीं अगर ईडी 180 दिनों में संपत्ति को अवैध साबित करने में कामयाब हो जाती है तो इस पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है। बता दें कि जांच एजेंसी अगर छापेमारी में सोना, चांदी, गहने और दूसरे कीमती सामान जब्त करती है तो उसे उसका भी पंचनामा तैयार करना होता है। पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है कि कितना सोना, चांदी और दूसरे जेवरात बरामद किए गए, उनकी कीमत इत्यादि के बारे में भी बताया जाता है। जांच एजेंसी सोना चांदी समेत अन्य दूसरे सामान का पंचनामा तैयार करने के बाद उसे सरकारी मालखाने और भंडार घर में जमा करा देती हैं। हालांकि आपको बता दें कि केस की सुनवाई के बाद इस बात पर फैसला होता है कि आखिर उस संपत्ति का असली मालिक कौन है। अगर आरोपी उस संपत्ति से जुड़े हुए तमाम लीगल जानकारियां कोर्ट को दे पाते हैं तो ये संपत्ति उन्हें वापस मिलती है, अन्यथा ये संपत्ति सरकार के खजाने में चली जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्पिता मुखर्जी के पास से बरामद 50 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति और करोड़ों के जेवरात आखिर वैध हैं या फिर अवैध? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।